दाल डाल के कुछ तो भी अतरंगी सी चीज बना। भाई एक साथ डाल दिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को सबसे पहले मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि लक्ष्मी जी आपके घर पे सुख संपत्ति प्रदान करें और सुख शांति हमारे घर में हमेशा बनी रहे। तो दिवाली की तैयारियाँ मेरे लिए बिना गेंदे के फूल के बिल्कुल इनकम्प्लीट है। लाइटिंग से भी ज़्यादा मेरे लिए गेंदे के फूल काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने घर को पूरा सबसे पहले गेंदे के फूल से सजाती हूँ। मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इस वजह से मैं बहुत सारे वीडियोस जो शूट करना था वो कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि एक डेढ़ हफ्ते से यही चल रहा है। और पहले मैं नवरात्रि में बिज़ी थी, फिर गला ख़राब हो गया। मैंने बड़े वाले जो फूल हैं वो लड़के लिए रख ली हूँ, जिनसे मैं घर सजाऊंगी और जो दीवारें मतलब घर की सजाऊंगी, और जो छोटे फूल हैं उन्हें मैं तोड़ ले रही हूँ क्योंकि मैं उनसे रंगोली बनाने वाली हूँ। क्योंकि हम आज ही दोपहर में, दिवाली के 2 बजे ही हम आउट ऑफ नागपुर में थे, अभी नागपुर वापस आए, तो इतना टाइम नहीं है कि मैं रंगोली डाल पाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं फूल से ही रंगोली बना लूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ अगर घर पे लाइटिंग लगे रहती है ना, तो वो दिवाली वाली फीलिंग नहीं देती है, वो पर्सनली ऐसा लगता है जैसे न्यू ईयर या फिर क्रिसमस है। इसलिए मैं जब तक पूरे तरीके से घर की दीवारों को गेंदे के फूल से नहीं सजा लेती हूँ, मेरे को दिवाली वाली फेस्टिवल वाली वाइब्स नहीं आती है। तो मेरे को बहुत पसंद है, मैं खुद से ही वो सब करती रहती हूँ। बीच में मैंने रंगोली डालना स्टार्ट की थी फ्लावर वाली, क्योंकि नॉर्मल कलर वाली रंगोली डालने का टाइम भी नहीं था, और मुझे दोपहर में ही जाके अपने घाघरा के लिए मैचिंग दुपट्टा लेने जाना था। तो मैंने बीच में आधी रंगोली डाली और फिर मैं पापा के साथ बाहर चली गई। तब तक मम्मी ने जो फूल के जो लड़ बनाना था वो आधे बना के रखी थी, फिर मैं वहाँ से आई और फिर मैंने जो बाकी बचे थे गेंदे के फूल के वो बनाना जल्दी जल्दी स्टार्ट की और उसको जल्दी से कम्प्लीट की। उसके बाद फिर श्रेयस और मैंने मिलके पूरा डेकोरेशन कर लिए थे। श्रेयस ने लाइटिंग लगाया था और जितने भी ये फूल के डेकोरेशन है ये मैंने की थी, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एकदम ये लाइटिंग के बाद ये फ्लावर्स लगाते से एकदम दिवाली वाली फीलिंग आने लगती है। शाम को हमने देवी जी की पूजा की। मैं आते वक्त ही, जब मैं मार्केट से आ रही थी, तो तभी मैंने लक्ष्मी जी भी पसंद करके ला ली थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं बाइक से गई थी पापा के साथ, और मैंने बाइक में बड़े मुश्किल से लक्ष्मी जी अपने पास रख के लेके आई थी, वरना कार ले जाने का टाइम नहीं था क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ थी। तो मैं बाइक में ही जैसे तैसे एडजस्ट करके फर्स्ट टाइम ऐसे देवी जी लेके आई थी, वरना अक्सर मम्मी पापा लेके आ जाते हैं। तो लेके आए और काफ़ी प्यारी लग रही है। जल्दी जल्दी हमने पूजा की है पूरे घर पर। मैंने बाहर दिए मैंने श्रेयस ने काफ़ी हेल्प किया, श्रेयस और मैंने दिए लगाए, और मैं और श्रेयस इतने दिए लगाते हैं, हमको इतना पसंद है कि पूरी दीवार पे, कम से कम हर जगह पूरी दीवार पे दिए ही दिए दिखना चाहिए, हमको बहुत अच्छा लगता है। लाइटिंग का जितना भी डेकोरेशन है वो श्रेयस ने ही किया है, वो काम उसका है, वो डिपार्टमेंट उसका है। बाकी जो फ्लावर से डेकोरेशन है वो सब मैंने की हूँ, और बिना फ्लावर्स के मतलब दिवाली मेरे लिए बिल्कुल इनकम्प्लीट है। फेस्टिवल वाली जो एक फीलिंग है ना, वो गेंदे के फूल से ही आ जाती है, तो मैं अक्सर हर फेस्टिवल में यही करती हूँ। गेंदे के फूल मेरे फेवरेट है, तो मैं उनसे ही पूरा डेकोरेशन करती हूँ। उसके बाद हमने जल्दी जल्दी सारा जो भी था, पूजा ख़त्म हो गई थी, हमने दिए घर पे हर जगह लगा दिए थे। और इस बार लोग थोड़े से कंफ्यूज थे क्योंकि 2 दिन का कुछ मुहूर्त चल रहा था दिवाली का, तो पहले स्टार्टिंग में काफ़ी सुनसान सा था, कोई था नहीं बाहर, तो हमको लग रहा था शायद बाकी लोग कल बनाने वाले हैं। ये जो घाघरा मैंने पहनी हूँ ये मैंने पर्सनली खुद डिज़ाइन की हूँ और खुद स्टिच की हूँ। घर पे मशीन पहले से है और मैं मतलब प्रोफेशनली आता नहीं है मेरे को बनाते, पर मैंने धीरे धीरे सीखते सीखते बनाना स्टार्ट कर दी। और मैं रेडीमेड इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत चूजी टाइप की हूँ, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे को जल्दी पसंद नहीं आती है, और टाइम मतलब बहुत ही मुश्किल से कुछ पसंद आता है। तो मैंने खुद से ये डिज़ाइन किया, मेरे को बहुत प्यारा लगा और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिले, बहुत सुंदर दिख रहा था ये, बिल्कुल डॉल के जैसा लग रहा था। नहीं हुआ, नहीं हुआ, हाँ लग गया, लग गया।
अच्छे से लगा अच्छे से लगा 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 लग लग गया लग इजी है इजी है इजी सीधा 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 अच्छा आई ला अंगूठा जला दिए अंगूठा जला दिए चालू कर चला 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 फोटो 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 भाई आज पूरा निकल गया घर में किसी के भी घर में अलग ही नया ये माचिस लेके आए क्या नया माचिस लेके आए लाइटर जल गया जल गया जल गया है वो जल गया है वो जल रहा है श्रेष्ठ वो जल रहा है जल रहा है वो इसका अलग आप क्या चाहते हैं लगा देंगे हर कोई अलग अलग एंगल से वीडियो बना रहा है ये कुछ गलत तो नहीं होगा ना ये कुछ भयानक सा क्यों लग रहा है आपको क्या चाहिए या फूट के अपने ऊपर अपने ऊपर तो नहीं आएगा ये क्या हो गया फुको फुको सिगरेट पी रहेंगे वो यहाँ पे फूक नहीं जा रही ये क्या है ये किस प्रकार से निकल रहा है ये टेढ़ी निकला टेढ़ी ये कौन से प्रकार का है टेढ़ी निकला टेढ़ी ये ऐसा ये क्या है गीला गीला हो गया क्या इक्कीस शर्ट टेढ़ी ऊपर जाके फूटता क्या था नीचे का फूटता है हे भगवान अरे एक नीचे फूट रहा है ऊपर जाके फूट रहा है ये क्या था भाई तो बकवास ला लिया पूछता हुआ बेटा तेरे कोई बारूद डाल डाल के कुछ तो भी अतरंगी सी चीज बना बारूद तो ठीक है अनार में क्या डाल रहे हो अनार का बारूद सब फटाके का बारूद मिक्स करके एक जगह डाल रहे थे ऑपरेशन किए क्या भाई अनार का कौन उसमें मट्टी भी रहती है एंड में इंजीनियरिंग करके ये सब करना पड़ता है इसलिए हम कहते हैं कि वो जला के अंदर डाल दे
नहीं उसको अंदर डाल दे, फुलझड़ी डालने वाला सब खत्म हो गया। ले बे रुक गया रुक गया रुक गया, अबे चक्री मैं दांत मर रहा हूं। चक्री रुक गया रुक गया, बे चक्री जो अपनी रस्सी ला। नहीं नहीं रुक गया। हां हां ये भी सही है। वाह सब ढूंढ जाओ, कुछ भी हो सकता है, बम ब्लास्ट हो सकता है आज के दिन। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बहुत सारी चीजों को आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट चालू है। पता नहीं, एक्सपेरिमेंट और हमारे भाई साहब यहाँ पे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आग ये अजीब सा एक्सपेरिमेंट, सारे बारूद को सब पूरा माल मसाला एक साथ डाल दिए। अभी कुछ अरे जल जल कुछ कुछ हो सकते हैं, पास में बच्चे कुछ कुछ हो रहा है। यहाँ पे चकड़ी भी जली, तड़तड़ी भी जली, अनार भी हुआ। इसके पहले वाला 25 शॉट बेकार था, ये वाला देखते हैं क्या वाला अच्छा हो। बिल्डअप तो काफी अच्छा है, अब देखते क्या आता है। तेरा घर जाएगा इसमें। पता नहीं फिर पैसे बर्बाद मेरे को लगता है पुराना स्टॉक बेच दिया इस बार उन्होंने, पिछले साल का दे दिए। आ गया ये कुछ अच्छा ही सही है। ये ठीक था।